गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह हो रही है और 7:30 बज रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरठ। तो मैं फिर से एक व्लॉग कर रही हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, इस व्लॉग में मैं आपको रास्ते दिखा के बोर करने वाली नहीं हूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं 5 मिनट में, उसके बाद हम जाएंगे मेरे बाग में, हमारा बाग है। तो अब मैं आपको सीधे वहीं मिलूँगी। चल रही थी, मैं ड्राइव कर रही थी और बीच हाईवे है ना मम्मा, ये बेटा हाईवे से, हाँ हाईवे पर ही है, हाईवे पर ही है, बुलंदशहर और गुलावटी के बीच में है। बुलंदशहर और गुलावटी के बीच में क्या हुआ, टायर फट गया बेटा। टायर फट गया हमारा, सीट से भी गाड़ी नहीं थी लेकिन हाँ थी। मैं डर गई, मुझे 90 की मैं डर गई, मेरे को लगा कि मेरी वजह से हो गया, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ था, वो फट ही गया था टायर, पता नहीं कैसे फट गया। और टायर फटते जो भटभट की आवाज आने लगी, हम तो डर गए, पता नहीं क्या। मैं तो घबरा गई, मेरे तो बाद में हाथ इतने ज्यादा कांप गए थे, मुझे लगा कि कोई कार के पीछे से नीचे आ गया, क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो तो अभी फिर हमें शॉप मिली है, हम उसको सही, मतलब टायर अभी सही करवा रहे हैं। लकीली शॉप भी पास में ही मिल गई, हमें ज्यादा आगे तक आना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है, वरना तो बीच हाईवे में वहाँ होता तो और परेशानी हो जाती है। बाय द वे हमारा आम का बाग है, मैं बताना भूल गई। तो ये सारे लोगों को रखा हुआ है ताकि ये लोग आम तोड़े और फिर हम उसको ले जाए। वो कैमरे में आ रहा था, भाग गया। लोग बाग पी के और यूं मत करते हैं ना ऐसे, और इससे फिर नशा करते हैं लोग बाग। क्या है मम्मी, ये बेटा भांग है, तो ले चले फिर। भांग है, देखो ये भांग है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें नशा करते हैं लोग बाग। हाँ। बहुत से लोग होते हैं, इनको भांग पी ली, ले लें सुको, फिर क्या करना, काम आएगी। अच्छा हमें काम आएगी। पेड़ पे लग रहे, क्या है इतना ज्यादा घना हो गया, कलमी बहुत। कलमी है बेटा ये सारा, जो दशहरी कब आ गई है, लेकिन अभी ये पौधे लगाए थे हमने नए, जो कि जिसमें कि कलमी है, चौसा है। कलमी, हाँ कलमी बेटा, आम की वैरायटी वो होती है, वैरायटी। अच्छा एक देखो नल है, नहीं पानी आ रहा है, पानी पियोगे नल का ठंडा। मम्मा वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो बेटा उसकी वो कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं उसमें। ये देखो मूंग की दाल है, नहीं ये मूंग की, इसमें मूंग की दाल है, मूंग की दाल है। मम्मी जाओ, आपको पता ही नहीं है। अरे नहीं, मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है, ये मूंग की दाल है, ये उड़द की है, मूंग की है। गाइज मेरे को आपको बताना है, उस साइड मेरे दादा और मेरी दादी की कब्र है, पापा वहाँ पे दुआ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग गर्ल्स हैं इसलिए हम जा नहीं सकते, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि गर्ल्स जाएं, तो हम यहीं से रहकर पढ़ेंगे और पापा वहाँ जाकर पढ़ेंगे। ये है इधर बेटा, इधर से दिखाई दे रही है, हाँ दिख रही है हमें, वो रही, ये रही गाइज, ये रही, सब लोग दिख रहा है आपको, ये वाला, यही दादा की भी है, यही दादी की भी है। तो अभी हम लोग दुआ कर देते हैं, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। नहीं देखो अमरूद भी आ रहे हैं, तो ये अमरूद है, ये आम का बाग है। नहीं कहीं कहीं अमरूद के भी लगाए हुए हैं, लीची के भी हैं जगह जगह बेटा। मम्मी बताओ हमारा बाग कहाँ से कहाँ तक है। हमारा बाग तो माशाल्लाह 30 बीघे का है, देखो मतलब ऐसे कहाँ से कहाँ। अभी यहाँ हद तो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इतनी यहाँ भांग
हो गई है जंगली। मम्मी इतनी भाग लग रहा है जैसे कि यहाँ किसी ने कोई खेती कर रहा हो इसमें। हाँ सही में। और ये ऐसी हो गई है बेटा, थोड़ी सी ले चलेंगे मम्मी। नहीं नहीं बेवकूफ है, बेवकूफ है क्या। और ये देखो ककरोन देखा भी है, देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें। लेके हम लोग कहाँ अलीगढ़ से आते हैं, ये सब बाग वाले फायदा उठाते हैं। ये देखो नहीं ये ककरोन था, नहीं नींबू है। गलत गलत गाइड। नींबू का जी क्या कर रही हो मम्मी? चाय पी रही हूँ बेटा। गर्मी में चाय? गर्मी में चाय कोई नुकसान और फायदा करती है तो? क्यों फायदा क्यों करती है? नुकसान भी नहीं करती, चाय तो पीनी चाहिए बेटा, इतनी तो नहीं पीते। लेकिन अब बाग में आए हैं तो पीना अच्छा लगता है, खाना पीना। और हम तो रोटियां भी लाए बस तो रोटियां खाएंगे, खाना खाएंगे। ठीक है आपको छोड़ देते हैं यहीं, सोना यहीं, खाना खाना भी लेकर आई हूँ। पापा नहीं वो तो खैर पापा फोन कर देते हैं आपसे कि भाग बना के लिया ना। पापा चलो मम्मी को यहीं छोड़ दो। ठीक है एक बार आए थे हम, खाना लाए बनवा के। नजर भाई है वो भी बहुत खाना लाते, बैठ जाओ। कभी खींचो फोटो लड़की का, हमारी फोटो खींचो। ये फोटो खिंचवाने आई है, ऐसे कर दो। तुम्हारी पता नेट पर डालेगी वीडियो, हाय कर दो ऐसे। हाय कर दो भाई बेटा, फिर तुम्हारे जो दादा ब्लॉग देखेंगे वीडियो पे देखेंगे तुम्हें यूट्यूब पे। अरे मेरी पोती यूट्यूब पे खा गई। ओ हाय कर रही है। पोती है ना आपकी? हाँ पोती है। आप भी आ जाओ ना, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। फोटो खींचो रही है गाइस। ये हमारे बाग के केयर टेकर हैं जो यहाँ पे केयर टेक करते हैं। बड़े बालकों में इतनी समझदारी हमारे पूरे बाग। पकड़ पापा मेरा। अच्छा क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा मेरा भी फोटो करवाओ। अच्छा तो तुम तो कैमरे तुम तो देख ही नहीं रही यहाँ पे। इधर देखो की तरफ देखो, ऐसे कर दो बाय कर दो बाय कर दो। यूट्यूब पे देखेंगे तुम्हारे दादा। अच्छा पहले जिन पे बाग था ना हमारा, हो जाओ रखो जाओ कभी हाँ बेटा तुम भी आ जाओ। बात करो अब पीछे इधर। अरे भाई से तो कुछ हो ही नहीं। सारे दिन माँ बेटी फोटो खिंचवाते रहे आपस में, बात चलाते रहेंगे। बाय करो बाय। खड़े होकर नाम तो बताया नहीं तुमने अपना। नाम बता दे। देखी आंखों को ऐसे 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 कर रही है। अच्छा बता मेरा फोटो किस तरह खिंचवा भी फोटो आगे बंद कर ली। आगे बंद कर ली। आग बंद कर ली है। अब दिख रहा है, अभी नजर हो गई सर। हाथ में ला लो, जा रहे हैं हम। वो वाला अब तुम मम्मी से मिलना ही है। मम्मी मैं तो अपने नैनी को मिलने मेरे में बर्फ नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग बाग से आए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी इसलिए हमने थोड़ा सा रुक के ब्रेक लिया और थोड़ा जूस वूस पी रहे हैं ताकि थोड़ा सही लगे, क्योंकि इतनी गर्मी है एसी भी मुझे तो नहीं लगता काम कर रहा है। और बाग में तो और ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं मम्मी कैसे इंजॉय कर रही थी। भाई मम्मी मान गए, सही में मान गए आपको तो। बेटा अपनी प्रॉपर्टी हो अपनी चीज तो अच्छी लगती है। कह रहे थे इतनी हवा चल रही है, एक पत्ते हिल रहे थे। नहीं हवा तो अब आपको लग रही थी, हवा तो लग रही थी वैसे बैठे थे। देखिए अपने उसमें इतने दिन बाद आए तो अच्छा लगता है। अभी हम जूस पी रहे हैं फिर घर पे जाके मैं आपको मिलती हूँ। मेरे बेटा थक गई, आराम कर रहा है ना, आराम कर रही है मेरे बेटा। बाग में घूम घूम के थक गई मेरे बेटा। पहुंच जाएंगे आराम कर लेना। कितनी देर लगेगी हमें? अभी जो लगेगा हमें वो 35 मिनट्स लगेंगे बेटा, क्योंकि हम जो लोग हैं अभी हापुड़ में हैं और हाईवे से जा रहे हैं तो वो 35 से भी कम ही लगेगा बस जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं आधे घंटे सो जाती हूँ। हाँ हाँ सो जाओ और क्या। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे 1 बजे और अभी 5 बज रहे हैं। मैंने इसलिए अब मैं लेट व्लॉग इसलिए कर रही हूँ,
मैं लेट इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आते ही अपने आप को एक बहुत अच्छा सा बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, और वो सरप्राइज़ ये था कि मैं मेरे फ़ोन का चार्जर भूल गई, और वो यहाँ किसी के पास है भी नहीं, और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। मुझे टेंशन हो गई कि मैं व्लॉग एडिट कैसे करूँगी, आज जो भी शूट किया है या आगे कैसे, मतलब अब कैसे होगा। तो मुझे और ये भी था कि पापा बहुत गुस्सा करेंगे, तो लकीली घर के खाला के घर के सामने एक शॉप है, उनके वो अंकल जो है वो आईफोन, उनके पास भी आईफोन ही है तो आईफोन यूज़ करते, तो उनकी चार्जर से मैंने चार्ज किया है। ओके गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब सीन कुछ ऐसा है कि कल है पापा का बर्थडे, और हमने पापा को कुछ भी हिंट नहीं दिया है कि हमें याद भी है उनका बर्थडे, और अब आज हम उनको सरप्राइज़ देने वाले हैं रात में 12 बजे। तो मैं खाला के साथ मार्केट जा रही हूँ सामान लेने, डेकोरेशन का केक लेने, तो मैं आपको सीधे मार्केट में मिलती हूँ। सो गाइज, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको जब सब कुछ सजा लूँगी जब फाइनल दिखाऊँगी, अभी टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी जल्दी करना है। कोई बात नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लग रहे हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुर्ता पहन के आओ पहले, चलो कुर्ता पहनो, कुर्ता पहनो, कैंटीन चलाते हैं, चलो। कैसा लगा आपको? उधर देखो, हाल उधर है, तुम्हें तो नजर भी नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मालूम। पापा आपको क्या लगा, हम सो गए? और क्या, और सो गए थे यार, मेरे साथ लेते हैं। क्या चीज ये खराब है पापा? आपको टोपी पहननी पड़ेगी केक काटने से पहले। टोपी बनाओ ना पहले। ये जो भाई पापा कह रही है क्या पतीता है भाई? क्या हुआ, डर गए? चलो पापा केक काटो, पहले कैंडल्स। बच्चों की तरह लगा दी, खाना मोमबत्ती में। कोई नहीं, हटा दो सामान। थैंक यू। खा लो, खिला दिया, खा ले। लेबड़ा इसको आज यश कर दे, आज यश कर तो दो। अरे बेटा क्यों, खा लो, सो गए। खा लो, पता ही नहीं चल रहा। वही तो कह रही हूं। हां भाई, कैसे हो गए? वीडियो बन रही है, लो लो लो, वीडियो बन रही है। चलो बैठो दिया भाई, हमारा कमरा बिल्कुल ब्यूटीफुल। सबसे ज्यादा मंगे मैंने और शाबान ने किया है, इसने कुछ नहीं किया है। इसने कुछ नहीं किया भाई, जब मैं मारो भाई ना, भलाई का तो जमाना नहीं है। बैलून जो एकदम से मतलब फूटा, मैं हमने बातों में लगाया और हंसी आ रही है भाई। सही में भलाई का जमाना नहीं है, कुछ नहीं किया है। मैंने करा ये सब मैंने सब सामान मैंने किया। ये किसने चिपकाया? कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। आपको पता था, आपको क्या लगा, भूल गए? आपको याद था मेरा बर्थडे? पापा को याद नहीं, सॉरी, ये भूल गए। सरप्राइज़
करते हैं, हम तो 12 बजे कहते हैं ना हमेशा, हम हमेशा एक दूसरे को मिस नहीं करते 12 बजे। उससे पहले सरप्राइज क्या रहा था, फिर तो कोई सरप्राइज ही नहीं था। नहीं तो बैलून जब फूट रहे ना, मैंने कॉल मेरे गिफ्ट है जो उस्मान भाई को लपा के हम ले लो डियर उस्मान भाई, ये सबूत है कि खाला ने गिफ्ट दिया है। चलो बहुत बढ़िया।